जंतुओं और पादपों में परिवहन भाग दो। नमस्कार दोस्तों, क्या तुमने कभी हृदय का धड़कना महसूस किया है? जब हम तेज चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमें अपने दिल की धड़कन तेज सुनाई देती है। आप अपनी छाती पर हाथ रखिए और खुद महसूस कीजिए, धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है। पता है दोस्तों, हमारा हृदय दिन भर में करीब 1,00,000 बार धड़कता है। बहुत मेहनत करता है हमारा हृदय, पर आखिर हमारा हृदय बिना रुके जीवन भर धड़कता कैसे है? आइए इस वीडियो की मदद से हृदय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क, ये समझना कि स्पंदन दर क्या होता है। ख, ये जानना कि हमारा हृदय कैसे काम करता है। सोनू बेटा, चलो डॉक्टर के यहाँ जाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ माँ, जरूर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है और मेरे बदन में भी दर्द है। जी, मैं अभी आपकी जांच कर लेता हूँ। डॉक्टर, आप मरीजों की कलाई को ऐसे छूकर क्या जानने की कोशिश करते हैं? सोनू बेटा, मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि मरीज का हृदय ठीक से काम कर रहा है या नहीं। आप सिर्फ कलाई पर उंगली रखकर कैसे पता लगाते हैं? यह देखो सोनू, अपने दाहिने हाथ की मध्य और तीसरी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखो। क्या तुम्हें कोई धक धक महसूस होती है? जी, महसूस हो रही है। यह स्पंदन क्या होता है डॉक्टर? यह हमारी नब्ज कहलाता है। यह स्पंदन धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। विश्राम की अवस्था में हमारा स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होता है। शारीरिक श्रम या कसरत करने से हृदय का दर बढ़ जाता है। अच्छा, जब मैं दौड़ता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, तो क्या स्पंदन दर भी बढ़ जाता है? हाँ, सही बोल रहे हो तुम सोनू। आप इस स्टेथोस्कोप की मदद से भी तो हृदय की धड़कन सुन सकते हैं। हाँ सोनू, यहाँ आओ। यह देखो, यह स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन की ध्वनि को सुनने में मदद करता है। अरे हाँ, मुझे तो अपने हृदय की धड़कन सुनाई दे रही है। पर डॉक्टर, हृदय की धड़कन की आवाज कैसे निकलती है? बहुत ही लय में धड़कता है हमारा दिल। बहन जी, लगता है सोनू बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। सोनू, हृदय के कक्ष की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती हैं। ये मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्ट और विश्रांति यानी रिलैक्स करती हैं। इस लयबद्ध संकुचन और विश्रांति दोनों मिलकर हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट कहलाता है। कितनी मेहनत करता है हमारा हृदय, जीवन भर धड़कता रहता है। सोनू, कल मैंने एक शिविर लगाया है जहां हृदय से संबंधित जानकारी दी जाएगी। तुम भी चाहो तो अपने दोस्तों के साथ आकर जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। मैं अपने दोस्तों के साथ जरूर आऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर। बहन जी, आप बिल्कुल ठीक हैं। बस कुछ कमजोरी है, यह कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ। सोनू,
तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी माँ आराम करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कल मिलेंगे सोनू। रमेश, गीता, डॉक्टर ने कहा था कि वे शिविर में शरीर की विभिन्न प्रणालियों से संबंधित बहुत सारी जानकारी देंगे। मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते बच्चों, आओ देखो यहाँ अलग अलग विशेषज्ञ हैं। तुम्हें जिस भी शरीर प्रणाली की जानकारी चाहिए तुम जाकर पूछ सकते हो। अरे वो देखो, रक्तदान भी हो रहा है। दोस्तों, रक्तदान महादान है, इसे जीवन दान के बराबर माना जाता है। वहाँ देखो, हृदय की कितनी बड़ी तस्वीर है। आओ उधर चलते हैं। नमस्ते डॉक्टर, क्या आप हमें हृदय के बारे में जानकारी दे सकते हैं? हाँ बच्चों। यह चित्र हमें हृदय के बारे में क्या बता रहा है? बच्चों, ये हमारे हृदय की कार्य विधि का चित्र है। क्या आप हमें इसके बारे में समझा सकते हैं? चित्र से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। जरूर बच्चों, पहले बताओ कि हृदय कहाँ स्थित होता है। दोस्तों, अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आकार लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होगा। हमारा हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है और थोड़ा बाई ओर झुका रहता है। डॉक्टर साहब, यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाला रक्त मिल जाए तो क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न न हो इसलिए हृदय में चार कक्ष होते हैं। आओ मैं तुम्हें इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। हृदय एक दो मंजिल की इमारत की तरह होता है। ऊपर के दो कक्ष आलिंद कहलाते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। नीचे की मंजिल में भी दो कक्ष होते हैं, उन्हें निलय कहते हैं, दायां निलय और बायां निलय। आलिंद और निलय के बीच एक दरवाजा जैसा होता है, इसे वॉल्व कहते हैं। इसी दीवार की वजह से ऑक्सीजन वाला रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त से नहीं मिलता। क्या आप हमें बता सकते हैं कि हृदय कैसे काम करता है? क्या तुमने पंप देखा है? हाँ, देखा है। हृदय एक पंप की तरह काम करता है। इस पंप से रक्त सारे शरीर में पहुंचता है और वापस आता है। वास्तव में हृदय का दायां भाग अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए दोनों फेफड़ों में भेजता है और इसका बायां भाग फेफड़ों से लौटे हुए शुद्ध रक्त को शरीर में भेजता है। इस प्रकार हृदय शरीर में रक्त का संचार निरंतर बनाए रखता है। हाँ, हमने पढ़ा था कि जाते समय रक्त ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है और वापस आते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है। बिल्कुल सही। और हृदय से रक्त ले जाने और लाने के लिए रक्तवाहिनियां होती हैं। हाँ, हमारे पूरे शरीर में इन वाहिनियों का एक जाल सा बिछा हुआ है। पता है दोस्तों, अगर हम सारी नलियों को जोड़ दें तो कितनी लंबाई होगी? करीब 1,00,000 किलोमीटर। ये देखो बच्चों, शरीर के ऊपरी हिस्से से यानी सर इत्यादि से रक्त ऊपरी नली छोड़ती है और पेट और निचले हिस्से के अंगों से रक्त निचली नली छोड़ती है। दोनों मिलकर इस दाएं आलिंद में कम ऑक्सीजन वाला रक्त छोड़ती हैं। इस आलिंद का सिर्फ एक तरफ खुलने वाला वॉल्व है। यह वॉल्व
तभी खुलेगा जब नीचे वाला निलय फैलेगा। तब अशुद्ध रक्त निलय में आ चुका होगा और उसके पीछे वाला वॉल्व बंद हो गया होगा। यानी कि वह उल्टा नहीं खुलेगा? सही बोली तुम। लेकिन निलय का ऊपर खुलने वाला एक और वॉल्व है। जब ये निलय सिकुड़ेंगे तब जैसे एक ट्यूब से पेस्ट निकलता है, वैसे ही रक्त बाईं और दाईं तरफ से फुफ्फुस धमनी से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये बाहर तो फेफड़ों में जा रहा है। हाँ, फुफ्फुस धमनी फेफड़ों में रक्त ले जाती है। पर धमनियों में तो शुद्ध रक्त होता है। हाँ, लेकिन सिर्फ फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। हमने श्वसन के अध्याय में पढ़ा था कि फेफड़ों में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जो रक्त को शुद्ध करने में सहायता करती है। हाँ, अब फेफड़ों में रक्त शुद्ध हो जाता है और ये रक्त फेफड़ों से हृदय की तरफ वापस जाता है और फुफ्फुस शिरा से हृदय के बाएं आलिंद में अंदर आएगा। यहाँ पर भी एक और एक तरफ खुलने वाला वॉल्व है। जब निलय फैलेगा तब ये शुद्ध रक्त निलय में खींचा चला जाएगा और जब ये निलय सिकुड़ेगा तब ये ऊपर खुलने वाले वॉल्व से बाहर चला जाएगा। यहाँ से एक धमनी जिसे महाधमनी कहते हैं, वो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। कितनी मेहनत करता है हमारा हृदय। हमें अपने हृदय का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हाँ बच्चों, सबको संपूर्ण आहार खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए। हाँ जरूर डॉक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अपशिष्ट पदार्थों का विकास भी तो रक्त के द्वारा होता होगा। हाँ बच्चों, हृदय के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी से ही मैं हैरान हूँ। पहले मैं घर जाकर सारी जानकारी लिख लूंगा। हाँ बच्चों, आज के लिए तुमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। धन्यवाद डॉक्टर। तो देखा बच्चों, हमारा हृदय कितना ताकतवर और मेहनती अंग है। ये निरंतर धड़कता रहता है। चलिए आप भी अपने हृदय का ख्याल रखिएगा। जल्द मिलेंगे।